हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। धूली वंदन, क्या आपको सभी को शुभकामनाएं। कोलियस ये बहुत शानदार पेड़ है। इसके हमेशा चेंज होते रहते हैं कलर। कभी ज़्यादा धूप आती है तो अलग कलर आ जाता है। एक ही प्लांट्स में इतने ज़्यादा वेराइटीज़ आती है इसके पत्तों में। कभी कुछ दिखता है, कभी रानी कलर दिखता है, कुछ ग्रीन दिखता है, कुछ येलो दिखता है। बहुत ही गार्डन की शान है ये कोलियस का प्लांट। ये प्लांट इतना अच्छा है, कहीं भी लगा दो, रेत में डायरेक्ट लग जाता है, मिट्टी में भी लग जाता है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको ज़्यादा धूप की गरज़ नहीं है। ज़्यादा धूप रहेंगे तो ये जल्दी प्लांट सूख जाता है। तो इसको सेमी सेड एरिया में, जैसे मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप और बाकी के सेड एरिया में जब रखेंगे, ये प्लांट बहुत अच्छा पड़ता है। इसमें इतने ज़्यादा कलर्स के प्लांट रहते हैं, लेकिन थोड़ी केयर करना पड़ता है। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी, लेकिन लास्ट ईयर गर्मी में पूरे प्लांट सूख गए थे अप्रैल मई जून में। तो इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। और इसके जब मिट्टी बनाते हैं तो ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पानी निकल सके। ज़्यादा आप पानी डालेंगे तो उसके रूट्स गल सकते हैं। ये बहुत बुशी प्लांट हो जाता है और उसको ऐसे फ्लावर्स भी आते हैं। इसी के सीड्स बन के हम नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो ये जो इसमें अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स बीज रहते हैं, इसको स्टोर करके रखना है तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और कटिंग से भी बहुत आसान है। देखिए, आप यहाँ कोई भी ऐसी कटिंग लीजिए और ये प्लांट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने इतने सारे उसके कटिंग्स लगाई हैं। ये देख सकते हैं, ये मैंने मिट्टी में सेमी अपना कंपोस्ट में डाला है, सब वेल्डन मिट्टी। और ये बहुत सिर्फ रेत में है, तो रेत में भी मेरी कटिंग बहुत सक्सेस हो गई है। आप रेत सब कहीं भी मिल जाती है तो रेत में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें से पानी तुरंत निकल जाता है। ड्रेनेज होल इसमें रखना बहुत ज़रूरी रहती है। कोई भी पेड़ लगाओ तो ड्रेनेज होल के सिवाय हमारे प्लांट्स नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं, ये मिट्टी में लगाया है और इसके कलर लास्ट टाइम में बहुत ही सुंदर थे। अभी जैसी धूप बढ़ रही है, ठंड के मौसम में बहुत डार्क कलर था, एकदम पिंक किश रानी कलर था। उसमें पत्ते के कलर चेंज हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ के पत्ते के रहते हैं, कभी ग्रीन, पर्पल, ये। और मेरे नीचे भी बहुत सारे वेराइटीज़ के कोलियस है। और रेत में आप देख सकते हैं, इतना जो छोटा सा प्लांट है वो रेत में भी बहुत बढ़िया लग गया है। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस छोटी सी कटिंग लेना है और ऐसे बीच में से पिंच करते रहना है। पिंच करेंगे तो बुशी प्लांट होगा। जैसे कटिंग लगाना है, हम कोई भी ऐसी कटिंग ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, इसमें से कोई भी कटिंग लीजिए, नीचे के पत्ते निकाल दीजिए। और एलोवेरा जो है, इतने सारा एलोवेरा जो लगा है, रूटीन हार्मोन के तौर पे हम एलोवेरा में डिप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, बस ऐसी रूटीन हार्मोन इसमें एलोवेरा लगा दीजिए और कटिंग लगा दीजिए, बहुत जल्दी लगेगा। और इसमें सेड एरिया में रखिए, इसको ज़्यादा कुछ करने की गरज नहीं है। और पानी देते रहना है, पानी ऐसे दीजिए कि ड्रेनेज होल से निकल सके। कोलिया से बहुत अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो है। इसके बहुत ज़्यादा कटिंग्स बन जाती है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप देख सकते हैं, और जैसे ये बीज अच्छे से हो जाएगा तो उसको काट देना है। काटने के बाद ये इससे न्यू ब्रांच आएगी, नहीं तो अपना प्लांट सूखता जाएगा। और यहाँ देखिए कोलियस का यही पेड़, देखिए कितने सारे मेरे प्लांट्स बन गए हैं। यहाँ भी कहीं से भी कटिंग लगा दो, लेकिन थोड़ा सा सेड एरिया में रखना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नई वेराइटीज़ है। इसमें से एक ये बहुत ही सुंदर कलर है, इसमें देखिए कितने सुंदर डिजाइन है। और एक ये है, बहुत ही कलर चेंज होते जाते हैं। और इसका भी बहुत ही अलग कलर है, इसका रानी कलर है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कलर भी चेंज होते हैं। और ये कोलियस देखिए, इसके इतने ज़्यादा पत्ते हो गए बड़े बड़े, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसके भी कलर चेंज हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं, इतना घना प्लांट्स हो रहा है। ये देखिए, कुछ दिन के बाद ये पर्पल में ये हो जाएगा। अभी इसमें कलियाँ आ रही है, फूल आ रहे हैं, तो इसको काट देना है।
काटेंगे नहीं तो ये प्लांट पूछी नहीं बढ़ेगा। तो कुछ दिन के बाद इसको काटना है, बहुत सुंदर बीज आते हैं इसके, तो अपने को बाद में काट देना है। एक देख सकते हैं